दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक समाचार। मैं हूं संतोष सुमन। दोस्तों ये जो देख रहे हैं आप तस्वीर में फोटो, दोस्तों ये एक ऐसे मजदूर, एक ऐसे शख्स की कहानी है, जब आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। दोस्तों ये घटना और ये कहानी है बीरपुर से सटे बनेली पट्टी गांव वार्ड नंबर 4 में सूरज राम की। दोस्तों सूरज राम के ज़िंदगी में क्या होता है ज़रा मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ और इस बात पर प्रकाश डालने का कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों ये सूरज राम एक मजदूर थे और ये अपने ही गांव में किसी साहूकार के ट्रैक्टर पर, थ्रेसर पर मजदूरी करते थे लगभग 10 साल से। दोस्तों उसके जीवन में एक ऐसा दिन आता है, ये समय 5वां महीना 2023, आज से ठीक 2-4 दिन पहले, अभी तो क्रियाक्रम भी नहीं हुआ है। दोस्तों एक ऐसी कहानी हुई उनके साथ, उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जो आप सोच के दंग रह जाएंगे। ये जो देख रहे हैं ये बच्चे, उनकी बेटी है, और बगल में जो ये देख रहे हैं फोटो, ये उनकी पत्नी है जो विकलांग है। दोस्तों सूरज राम थ्रेसर पर काम कर रहे थे, मक्का का तैयारी कर रहे थे, न जाने क्या हुआ कैसे हुआ, थ्रेसर धोनी के दरमियान उसका पैर हाथ थ्रेसर के अंदर घुस जाता है और ये जो है पूरा शरीर का आधा भाग, दोनों पैर डांड से नीचे कट जाता है, थपचा हो जाता है और वह मौके पर दम तोड़ देती है, मर जाता है वो मजदूर। उनका पत्नी जो है विकलांग है, दो बेटी हैं, टोटल बच्चे 2 बेटे हैं, 4 बच्चे हैं, 4-5 बच्चे हैं। दोस्तों इसमें बेटी लगभग 1-2 साल के बाद शादी करने वाली है, माँ विकलांग है और वो मजदूर सूरज राम दुनिया में नहीं रहे, आज दुनिया से चले गए, काम करते हुए वफादारी ईमानदारी के साथ काम करते हुए चले गए। दोस्तों जब ये घटना मुझे मालूम हुआ, उस गांव से किसी ने मुझे बोला कि पत्रकार साहब, जर्नलिस्ट संतोष जी, ऐसा ऐसा घटना घट गया, कृपया आइए, तो तभी दिन के 3 बज रहे थे, हमें हमारे एक सहयोगी शिवशंकर जी हैं, उन्होंने ही फ़ोन किया कि मेरे वार्ड में एक ऐसी ऐसी घटना हो गया। मैंने जब गया तो वहाँ बहुत सारी भीड़ थी, पंचायती होती, मुखिया सरपंच समाज के लोग बैठे हुए थे। मुझे वीडियो कवरेज करने से मना किया गया कि वीडियो मत बनाइए, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैं पिक वहाँ से ले लिया और आ गया। उसके बाद वहाँ पर देखे लोगों की जो मीटिंग थी, लोगों ने मजदूर के लिए, उनके बाल बच्चे के लिए, परिवार के लिए भलाई के बारे में मीटिंग कर रहा था, सोच रहा था। वहाँ के जो लेडीज मुखिया है अच्छी है और उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया, उनके परिवार को एक अच्छा मुआवजा दिलाने का काम किया है, 6 लाख रुपया उसको मुआवजा दिलाया गया है, जिसमें एक चेक सुनते हैं 2 लाख का दे भी दिया गया और बाकी रुपया उनको दिया जाएगा मदद के लिए, उनके परिवार को भरण पोषण के लिए, उनके बच्चे के शादी के लिए, या राहत कोष जो समझिए, एक सामाजिक जो होता है। तो वहाँ के सभी ग्रामीण लोग बैठे पंचायती करके और उन गरीब सूरज राम के ज़िंदगी के बारे में सोचा और 6 लाख का मुआवजा दिलाया। ऐसे वहाँ के लोगों के, वहाँ के मुखिया सरपंच को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि समाज में अगर कोई घटना घटती है, अनहोनी घटती है, क्योंकि वह घटना किसी जान के करके नहीं हुआ है, किसी के भी साथ होता था, हो सकता था। तो दोस्तों वहाँ के जो समाज थे इनको न्याय दिलाए का कष्ट किया, इनके परिवार को भरोसा दिया, साथ में खड़ा रहने का भरोसा दिया और 6 लाख का मुआवजा दिया। ऐसे मुखिया सरपंच को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, ऐसे समाज को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, यदि उनके साथ घटना हो गया तो साथ खड़े हुए। इसी प्रकार से अगर हम भी अपने पंचायत में या हमारे जितने भी दर्शक सुन रहे हैं, आप अपने समाज में और किसी के साथ अनहोनी हो जाती है, वो गरीब है, लाचार है, तो उनको एक अच्छा सपोर्ट, एक अच्छा सहयोग करना चाहिए ताकि हम सबका और समाज का कल्याण हो सके, सबका